नमस्कार दोस्तों, SBI क्लर्क की वैकेंसीज आ गई हैं। आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं 20 जनवरी से, और इसकी लास्ट डेट है 10 फरवरी 2018। एग्ज़ाम इसका होगा 10 टेंटेटिव डेट है मार्च या अप्रैल, इनमें से इन दोनों महीनों में से किसी एक महीने में होगा। और उसका ये प्री एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि तो ये दो स्टेज में होता है, प्री और मेंस, और उसके बाद में इसका इंटरव्यू होता है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का। सो मेन एग्जामिनेशन की डेट अभी टेंटेटिव है 12 मई 2018 को इसका मेन एग्ज़ाम होगा। तो ये सारे की सारे डिटेल्स हैं। एक स्टेट से आप एक ही वैकेंसी भर सकते हैं, आप केवल एक ही स्टेट से वैकेंसी भर सकते हैं। एक कैंडिडेट केवल एक ही स्टेट की वैकेंसी भरेगा, और उसकी लोकल लैंग्वेज उसको आना कंपलसरी है। सो दीज आर द डिटेल्स। एप्लीकेशन आर रिमेंटेड फॉर एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट इन क्लरिकल कैडर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। द टेस्ट फॉर नॉलेज ऑफ फॉर द स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज विल बी कंडक्टेड एज अ पार्ट ऑफ सेलेक्शन प्रोसेस। इसको ध्यान में रखिएगा कि ये द टेस्ट फॉर स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज विल ऑल्सो कंडक्टेड एज अ पार्ट ऑफ द सेलेक्शन प्रोसेस। इन द इंटरव्यू स्टेज आपको इस चीज़ का भी टेस्ट देना पड़ेगा। आपके पास ये पूरी की पूरी लिस्ट है, डिटेल्स हैं कि आपको किस लिए चाहिए। गुजरात सर्कल में आपको गुजराती आना चाहिए, अमरावती सर्कल में आपको तेलुगु, उर्दू या हिंदी, कर्नाटका सर्कल कन्नड़। दीज आर द ब्रेकअप ऑफ ऑल द वैकेंसीज, जनरल एस सी एस टी ओ बी सीज एंड बैकलॉग वैकेंसीज ऑल्सो। नेक्स्ट इज एब्रिविएशन जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड, ये पढ़ लीजिए। ओबीसी कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द ओबीसी सर्टिफिकेट ऑन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इशू ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1/4/2017 टू द डेट ऑफ टेकिंग अप द अपॉइंटमेंट इफ कॉल्ड फॉर। तो इस पीरियड का आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये शो द कैंडिडेट्स हु आर वर्किंग आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट, और जो थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया ड्यूरिंग द आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल। जिन्होंने रिजाइन कर दिया वो दोबारा नहीं करेंगे अप्लाई, और जो कर रहे हैं वो भी अप्लाई नहीं करेंगे। तो दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ग्रेजुएशन चाहिए, कैंडिडेट्स के पास डिग्री होनी चाहिए, और डेट ऑफ पासिंग होनी चाहिए 1 अप टू 1 जनवरी 2018, तब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए और आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। तो ये है एज लिमिट। एज लिमिट है मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स। मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स। तो इसका मतलब है कि आप 2 जनवरी 1990 से पहले पैदा ना हुए हैं, और नॉट लेटर देन 1/1/1998 इसके बाद पैदा ना हुए हैं। एस सी एस टी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, जो कि जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल हैं 80 से 89 के, उनके लिए भी 5 साल का रिजर्वेशन है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है, द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ एन ऑनलाइन टेस्ट और जो कि प्रिलिमिनरी और मेंस होगा। तो फेज़ वन उसका प्रिलिमिनरी होगा, जो कि 100 मार्क्स का आएगा, जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 मार्क्स की न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें 35 क्वेश्चन आएंगे, और रीजनिंग एबिलिटी उसके भी 35 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मिला के आपके
100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के, और ड्यूरेशन तो आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा इसे करने के लिए। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की जो टेंटेटिव डेट डेट दी हुई है वो अभी मार्च अप्रैल 2018 है, ये सब ट्रेनिंग के लेटर की ट्रेनिंग के लिए हैं, जो कि रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज होती हैं उनके लिए हैं। तो वो लोग मेन एग्जाम से पहले उनके लिए ट्रेनिंग एग्जामिनेशन होगा प्री का, वो दे सकते हैं। 1 मार्च 2018 के बाद वो अपना कॉल लेटर्स प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। एक बात ज़रूर, आप लोग जब पेपर देने जाएं तो साथ में एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, आपका पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, लाइसेंस साथ में लेके जाएं, प्लस पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। हालांकि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो इफ़ दे आर नॉट विजिबल इन योर एडमिट कार्ड ज़रूरी होती है, बट कभी कभार टीचर किसी किसी सेंटर पे मांग लेते हैं। फीस की पेमेंट वही है, जनरल जनरल और ओबीसी के लिए 600 रुपया है, SC ST के लिए 100 रुपीज़ दिया। दिस इज़ नॉन रिफंडेबल, ये वापस नहीं की जाएगी। दिल्ली NCR में इसके सेंटर दिल्ली, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव, ये दिल्ली NCR में इसके सेंटर्स हैं। अब वैकेंसीज आ चुकी हैं, इसमें डेट भी आ गई है कि ये इसके एग्ज़ाम कब होना है। मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में इसके एग्ज़ाम होगा, तो लग जाइए आप इसकी तैयारी में, और SBI की क्लरिकल कैडर में जो जॉब है अपने लिए सिक्योर कर लीजिए। तैयारी करते रहिए, मैं बीच बीच में इसके भी वीडियो डालता रहूँगा, रीजनिंग के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, इंग्लिश का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि जो मेरे पास पुराने नोट्स पड़े हुए हैं वो आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूँ। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए। हैव ए नाइस डे।